hello future officers not every news is relevant for your upsc preparation hi my name is rohit garcha and i am here to bring you the 25 years experience of abhimanyu ias which has given more than 2200 selections since 1999 this is a 7 minute current affairs series called to the point zid se jeet tak hi everyone बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको अभी रिसेंटली मंजूरी मिली है एक अलग से बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं इसके लिए राइट और एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च होने वाला है ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये है आपके यूथ के लिए राइट और क्योंकि यूथ के ऊपर हर सरकार का फोकस हमेशा ही रहेगा यूपीएससी भी यूथ से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्कीम्स होती हैं उसको थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है बिकॉज यूथ इज द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि यूथ इज द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री फॉर दैट मैटर ये जितना आप यूथ के ऊपर काम करते हो उतना ही आपका जो है फ्यूचर ब्राइट होता जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे राइट आइए बच्चे देखते हैं। मेरा युवा भारत जिसको कि हम माए भारत के नाम से भी जो है एम वाई कैपिटल के अंदर माए भारत के नाम से भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर राइट एंड माए भारत की फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम होगा लाइक कभी स्टेट लेवल का या एस टाइप का जो होता है तो उसमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि माय भारत स्टैंड्स फॉर इट इज मेरा युवा भारत ठीक है जी क्या होगा कि किस चीज की बात करिए ऑटोनॉमस बॉडी की सेटअप uh, करने की बात करिए विल बेनिफिट द यूथ इन द एज ऑफ 15 टू 29 नाइन ईयर्स अगर किसी ने नवाड का पेपर देखा होगा तो उन्होंने इस टाइप के सवाल वो पूछते हैं वहां पर राइट तो सबसे पहले तो हमें एज ग्रुप याद रखना है इसके अंदर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो एज ग्रुप है जो यूथ किसको कहा गया दैट इज 15 टू 29 इयर्स बच्चे हर एक्ट में चाइल्ड की डेफिनेशन अलग है है ना और हर एक्ट उसको अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट की बात करोगे तो उसके अंदर आई थिंक चाइल्ड की जो एज है दैट इज फोर्टीन ईयर्स है ना फोटीन ईयर्स एंड बिलो वाले को चाइल्ड माना जाता है लेकिन अगर हमारा पॉक्सो एक्ट आप देखोगे राइट प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसिस एक्ट है ना उसकी अगर आप बात करोगे पॉक्सो एक्ट अगर आप देखते हो तो उसकी जो एज है चाइल्ड की दैट इज एटीन एंड बिलो राइट right, बच्चे 18 से बिलो वाले हैं राइट right? तो 18 से बिलो वाले वहां पे चाइल्ड माने जाते हैं वैसे ही हमको एक्ट के हिसाब से देखना होता है कि आप किस चीज को कंसीडर कर रहे हो इन्होंने जो एज ग्रुप डिफाइन किया है यूथ का दैट इज एज सिमिलर एज जो कि आपके यूथ नेशनल यूथ पॉलिसी के अंदर जो एज ग्रुप डिफाइंड है उसको यूथ माना गया है राइट right? आइए बच्चे आगे देखते हैं अलग से इसी के अंदर आपको जो है अलग से एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा जो कि एडोलेसेंट्स का होगा अगेन इसमें एडोलेसेंट्स की एज जो है वो डिफाइन कर रखी है अलग एक्ट्स में अलग होती है लेकिन हम उठाएंगे नेशनल यूथ पॉलिसी से दैट इज टेन टू नाइनटीन ईयर्स ये कर क्या रहा है बेसिकली यूथ के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव अलग अलग जगह पर बिखरे पड़े हैं कोई मिनिस्ट्री कुछ कर रही है कोई मिनिस्ट्री कोई साइंटिफिक प्रोग्राम चलाना चाह रही है और बच्चों को एंगेज करना चाह रही है एक मिनिस्ट्री है वो चाह रही है कि आप लोग लेटेस्ट फॉर एग्जांपल से एनएसएस के थ्रू वॉल्टियर वर्क करो एक मिनिस्ट्री कुछ चाह रही है तो इसका कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है आप भी देखिए कि आप कितना ही अवेयर हैं कि अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर यूथ के लिए क्या क्या चल रहा है हमें खुद को इतना नहीं पता होगा राइट वाइल बींग अ पार्ट ऑफ इट एंड वाइल बींग द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पीपल इन इंडिया राइट पीपल बिकॉज़ आप लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं देश में क्या चल रहा है हमें भी नहीं पता तो एक प्लेटफॉर्म इसके लिए रिक्वायर्ड है और ये प्लेटफॉर्म जो है ऑटोनोमस बॉडी जो है अब बनने के लिए इसको मंजूरी होगी मेरा युवा भारत राइट right? क्या करेगा इट विल फोकस ऑन यूथ लेट डेवलपमेंट और क्या करना चाह रहा है वो कि यूथ को एक एक्टिव ड्राइवर बनाना चाह रहा है एंड नॉट मेरली लिए पैसिव रेसिपियट राइट कि अभी तक बाय स्टैंडर नहीं राइट right? आप जो है एक एक एक्टिव ड्राइवर बनोगे आप ड्राइविंग सीट पे जाओगे आप चलाओगे आगे पॉलिसीज को राइट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा जो कि आपका नेशनल यूनिटी डे भी है तो अगर आप एचपी हिमाचल प्रदेश सर्विसेज इन सब के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एच वगैरह में पूछ लेते होते हैं डेज वगैरह डायरेक्टली राइट यूपीएससी डेज़ वगैरह इतना नहीं पूछता है उसकी आदत नहीं है यूथ डेवलपमेंट तो well के लिए एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म रहेगा जैसे मैंने आपको आसान शब्दों में पहले बता दिया अंडर अंडर द न्यू अरेंजमेंट विद एक्सेस टू रिसोर्स एंड कनेक्शन टू अपॉर्चुनिटीज यूथ वुड बिकम कैसे वो बता रहा था कि ड्राइवर कैसे बनेंगे आपको रिसोर्सेज को और इंटरकनेक्शन को इन एनहेंस करना है बेसिकली बहुत आसान भाषा में कहे तो यहाँ पे ये होने वाला है और यूथ की एनर्जी को आप जो है हार्नेस करना चाह रहे हो फॉर योर नेशन बिल्डिंग क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चे क्यों ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं एंड वाई आई एम सेइंग कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी के अंदर आ सकता है इज बिकॉज द कंट्री हैज अराउंड 40 करोड़ पीपल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी पंद्रह से उनतीस साल वाले हमारे पास चालीस करोड़ लोग हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चे इसलिए इसकी वाइडर इम्प्लीकेशन होंगी और ये पंद्रह से उनतीस वाले वो लोग हैं जिसको आप टेक्नोलॉजिकली साउंड करना चाह रहे हो बेसिकली आपका डेमोग्राफिक डिविडेंट है ये और बेसिकली आप चाह रहे हो कि ये लोग सक्षम बन जाएं और इंटरकनेक्टेडनेस हमारी जो सरकार के अंदर है हमारी पॉलिसीज़ के अंदर है वो भी हमें देखने को मिल जाए एक सेंट्रलाइज यूथ डेटाबेस जो कि चुनिटीज किसको क्या सूट कर रहे हैं वो यहां पर जो है आपको प्रोवाइड करेगा एक और इसमें एंगल है बच्चे वो मैं आपको लेटमी गिव इट दैट एंगल आपकी विजन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन का जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जो है एक फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट है इज दैट दे हैव टू ब्रिंग रूरल यूथ अर्बन यूथ एंड अर्बन यूथ अंडर अगल प्लेटफॉर्म आपको डिस्पेरिटी देखने को मिलती है कि एक गांव का जो स्टूडेंट है वर्सेज एक बड़े शहर का जो स्टूडेंट है जैसी एजुकेशन पूरी होती है इनमें कंसिडरेबल डिफरेंस आ जाता है वो नहीं होना चाहिए और ये कैसे नहीं होगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म की वजह से राइट बच्चे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ईजी uh, रहेगा इसके लिए कि नोडल एजेंसी कौन है इसकी नोडल एजेंसी आपकी रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का की एक ब्रांच है और ट्रिविया छोटा सा ये रहेगा इसके अंदर छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए इज दैट जिसका करंट मिनिस्टर है दैट इज अनुराग ठाकुर जी एंड जो इनका फॉलोड बाय हिज डेप्यूटी मिनिस्टर विच इज निथ प्रमाणिक राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर यिलियम एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू प्लीज चेक आउट अभिमन्यू आई एस करंट अफेयर मास्टर कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इट इज बेस्ड ऑन त्रिशूल मॉडल यू विल बी गेटिंग थ्री थिंग्स नंबर वन वीकली क्लासेज number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024